नमस्कार दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक एरिया क्रेडिट मैनेजर की क्या रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है दोस्तों एक एरिया क्रेडिट मैनेजर हर रीज़न में लोन की अंडर को ओवरसी करता है या मॉनिटर करता है या देखता है या मैनेज करता है एरिया क्रेडिट मैनेजर अंडर राइटिंग नॉम्स को इवैल्यूएट करता है जो कि लोकल मार्केट्स की नीड्स के लिए कस्टमाइज़ हो अगर हम एक एरिया क्रेडिट मैनेजर की एडिशनल जॉब एडिशनल रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करें तो एक एरिया क्रेडिट मैनेजर अंडर राइटिंग बुलेट्स बुलेटिनस को अपडेट करता है एस डब्ल्यू टीम के साथ मिलकर काम करता है इनोवेटिव प्रोडक्ट ऑफरिंग्स को सपोर्ट करता है हेड ऑफिस में अंडर राइटिंग हेड के साथ संपर्क करना मीटिंग करना टेम्पलेट्स को क्रिएट करना बैंक की पॉलिसीज़ प्रोसीजर्स और कैश मैट्रिक्स के आधार पर आई एच एल एस केस पर डिसीजन लेना हब लेवल पर अंडर राइटिंग प्रोसेस को रिव्यू करना हब रीज़न में प्रोजेक्ट को अप्रूव करना हेड ऑफ़िस के लिए स्टे चूटरी लिमिट से आगे रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करना बिल्डर फाइनेंसिंग अप्रूवल रिलेटेड इश्यूज पर सीजीएम रिस्क के साथ मिलकर काम करना एक्सटर्नल एजेंट्स को मैनेज करना जो कि वेरिफिकेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं या रिकवरी टीम के साथ कोऑर्डिनेट करना बिजनेस इंसाइट्स को जन जनरेट करना हब रीज़न में प्रॉपर्टीज़ का टेक्निकल ई करना हब रीज़न में टेक्निकल ई प्रोसेस और पॉलिसीज़ को फॉर्मूलेट करना इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन में टेक्निकल ई प्रोसेस को मैनेज करना हब रीज़न में लीगल ई प्रोसेस को मैनेज करना फ्रॉड मैनेजमेंट और रिस्क मिटिगेशन एक्टिविटीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होना एक एरिया क्रेडिट मैनेजर के काम होते हैं दोस्तों अगर हम एक एरिया क्रेडिट मैनेजर की बात करें तो आपके पास अगर आप एक एरिया क्रेडिट मैनेजर बनना चाहते हैं तो आपके पास टेक्निकल या फंक्शनल एक्सपर्टाइज होना चाहिए आपकी एनालिटिकल स्किल्स अच्छी होनी चाहिए आपके पास एक्सेलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स होना चाहिए और आपके पास एक्सेलेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होना चाहिए आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल लाइक एंड कमेंट अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग